ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मर लाइफ सिमुलेटर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने हमारी खुद की एक वेजिटेबल शॉप अनलॉक करी थी एंड गाइज, उससे हम लोगों को काफी हद से ज्यादा जो है प्रॉफिट हो चुका है। एंड गाइज, यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मैंने ग्राइंड किया और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं क्या ग्रो करके बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एंड इनको जो है बोलते हैं पियर, पियर बोले तो अनास्पति, ठीक है, और इनको पता नहीं क्या बोलते हैं और आई डोंट नो, पर ठीक है, जो भी है तुम लोग मेरे को बताना कमेंट करके कि तुम्हारे वहाँ पे क्या क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलो गाइज, इनको अपन फटाफट चलते हैं और इन सबको हार्वेस्ट करेंगे एंड इनको जो है अपनी शॉप पे रखेंगे। और थोड़े बहुत ना मैं सेल भी करने वाला हूँ खुद से, क्योंकि ना हमारा वो एक्सपी बार देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत और बढ़ जाए एंड जब ऑफलाइन खेलूंगा ना तो मेरे को महंगे महंगे सीड्स जो है थोड़े मिल जाए, तो यू नो मैं थोड़े ज़्यादा पैसे अर्न कर सकूँ इसलिए, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी फटाफट चलते हैं, यहाँ पे एक एक करके सारे क्रेट्स निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको सारे सारे पियर्स को अपने को जो है ना यहाँ पे हार्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन इनका प्राइस कितना मिलेगा वो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैंने जो खरीदा था ना ये था आई थिंक $65 के ये थे। मतलब आज हम लोग ना अनास्पति की, वैसे अनास्पति का नहीं, मैं आज बेसिकली जो है काफ़ी सारे पैसा अर्न करने वाला हूँ और हम लोग जो है ना आज जो मिर्ची होती है ना मिर्चियाँ हार्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब मिर्चियाँ लगाने वाले हैं, मिर्ची के इतने सारे पौधे लगा देंगे, मतलब पूरा भर दूंगा भाई मिर्ची मिर्ची से, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एक करके पिक करते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी अनास्पतियाँ यहाँ पे रख देता हूँ अनास्पति। तो ना जल्दी से जल्दी एक हमारी जो जूस शॉप है ना वो भी अनलॉक करनी है, इसलिए आज अपने को ना बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यार 25,000 की, यार 25,000 मेरे को लगता नहीं वैसे कितना टाइम लगेगा उसमें, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उस चीज़ के अंदर अपने को, ठीक है। ओके, तो गाइज यार मैंने यहाँ पे जो है लगभग सारी सारी हार्वेस्ट कर लिया पियर्स को एंड ये हमारा लास्ट बचा हुआ है ताकि हम लोग जो है यहाँ पर मिर्चियाँ लगा सके। तो मिर्ची का मेरे को समझ नहीं आ रहा वैसे क्या करूँगा, देखते हैं अभी क्या सीन बैठेगा मिर्चियों का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज मेरे को ना जो एक शिमला मिर्ची लगानी है और मिर्ची भी लगानी पड़ेगी क्योंकि पैसा भी तो कमाना है। चलो गाइस फटाफट चलते हैं एंड अपने को जो है हमारी वेजिटेबल शॉप पर जा रहा हूँ, थोड़े बहुत बास्केट जो है मैं वहाँ पे रख दूंगा ताकि मेरे को दुगना पैसा मिल सके उससे, और थोड़े बहुत सेल करूँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत जो है एक्सपी पॉइंट्स भी चाहिए, या फिर मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे ना मैं वहाँ पर रखूँगा तो लेकिन फिर नुकसान होगा मेरे को, पता नहीं गाइस। चलो देखते हैं, मेरे को देखना आखिर इससे वैसे कितना पैसा मिलेगा, अगर हमारी शॉप खाली हो गई होगी ना तो मैं सारे के सारे रख दूंगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि शॉप को मैंने इतने दिन से चेक नहीं किया तो भाई मेरे को लग रहा है शॉप भी शायद से खाली हो गई है, हाँ मुझे लग ही रहा था भाई खाली हो चुकी है हमारी शॉप। यहाँ पर पूरी के पूरी देखो, वेजिटेबल शॉप से वैसे फ़ायदा अच्छा खासा होता है भाई, 2,000 तो आराम से यूँ कमा लेते हैं हम लोग, यूँ आराम से भाई एकदम, इसको भर के जाऊँगा ना 2,000 आराम से आ जाएंगे मेरे, 2 से ज़्यादा आ जाएंगे अगर लाइक अच्छे खासे वो लगाऊंगा क्रॉप्स वगैरह के यहाँ पे रख के जाऊँगा। तो चलो गाइस, यहाँ सारे सारे पियर्स के डब्बे भर देता हूँ भाई मैं यहाँ पे ताकि इनसे अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहे। अभी देखना 4723 है ना, और एंड तक देखना भाई हमारे पास कितना ज़्यादा पैसा हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत मुनाफा होगा बहुत ज़्यादा, देखना गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग हमारी सारी की सारी पियर्स को भी यहाँ पर रख दिया एंड ये हमारा लास्ट डब्बा बचा हुआ है, इसको मैं फटाफट से रख देता हूँ। एंड देख रहे 4723 थे और हमारा एक ना एक बास्केट अभी बिका है और उससे जो है हमारे आई थिंक $120 के अराउंड जो है ना अभी प्लस हुए हैं, ठीक है। कितने हो गए, रुको रुको रुको, पता भी नहीं चलता ना यार एक तो इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोगों के पास ना अभी क्रॉप्स वगैरह जो है ना बचे नहीं है, तो आज हम लोग काफ़ी सारी मिर्चियाँ उगाएंगे। और उससे पहले ज़रा रुको थोड़ा सा, मैं एक सेकेंड इसका तेल कैसे भरूँगा, एक सेकेंड रुको दो, मूव योर क्लोज, ओके ठीक है, ट्रक मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा। अच्छा यार ऐसा सीन है क्या इसके अंदर, मेरे को लगा डायरेक्टली बीवी वाला एक हम कर पाएंगे, पर डायरेक्टली वाला सीन है नहीं, कोई बात नहीं ट्रक यहाँ घुमाते हैं ज़रा, थोड़ा सा तेल वेल भरा लो नहीं तो भाई फिर कभी बीच में बंद हो गया तो भाई मेरा सीन हो जाएगा, इसलिए चलते हैं इसको रिफिल करते हैं। एंड अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं गाइस अपने को आना नर्सरी, और नर्सरी में जाके ना वहाँ से अपने को सारे के सारे जितना, एक सेकेंड यार ये मेरे को हिरण देख के मन करता है ना इसको मैं अपने साथ ले जाऊँ भाई वहाँ पे, वहीं पर रख दूंगा इसको भी भाई। यो लेट्स गो, 12 बज गए भाई सुबह के, और आज संडे है, मेरे को भाई टाइम का पता ही नहीं चला भाई, अभी टाइम देखा मैंने 12 बज गए भाई। एंड यार अपने ना स्किल पॉइंट्स मेरे को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा तो उसका थोड़ा सीन है, पर देखते हैं। यहाँ पे हिरण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गाइज। एंड यहाँ पे एक बार देखते हैं कि आखिर सबसे महंगा सीड है कौन सा, वैसे लास्ट वाला ही सबसे महंगा है, पर देखते हैं क्या सीन यहाँ का। ओके तो 50 का ये है, 40 का ये है, तो मतलब फ़ायदा इससे ज़्यादा अपने को इससे होगा। और मैं जो है ये पियर प्लांट्स जो है जाके मैंने प्लांट कर रखे थे समझ रहे हो, तो मतलब ऑरेंजेस वैसे $100 के बिकते हैं ना शायद से, एवोकाडो है, कारम्बाला ठीक है, पैशन फ्रूट है, कोई बात नहीं। अपने आज ना सारी सारी जो मिर्ची है ना वो मैं लेके जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अपने को बहुत सारी मिर्चियाँ उगानी है और बहुत सारा पैसा कमाना है मिर्चियाँ उगा उगा के गाइज़।
मिर्चिया होगा होगा के पैसे कमाएंगे भाई आज तुम। कितने डब्बे लेके जा रहा हूँ? तीन, ओके, चार, पाँच, छः डब्बे ले जाता हूँ उसके। ठीक है, छः डब्बे हमारे इस वाले के हो जाएंगे, छः डब्बे उसके हो जाएंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं आखिर में हमें कितना ज़्यादा जो इससे प्रॉफिट होने वाला है। आज अपन सारे के सारे मिर्चियाँ मिर्चियाँ भर देंगे भाई अपने मार्केट में। एक, दो, पाँच, ये हो जाएगा और लास्ट ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं ट्राई करूँगा कि ना हम लोग लाइक बहुत सारा पैसा अर्न कर ले। ठीक है, बहुत सारा तो कितना ही हो पाएगा, आई थिंक 10-12 के आसपास ही हो पाएगा। बाकी अपन वेट ये प्लांट करेंगे फिर ये प्लांट करेंगे दोनों साथ में। ठीक है, मज़ा तो आने वाला है गाइस, लेट्स गो। अभी अपन लोग जा रहे हैं हमारे वापस से हमारे फार्म हाउस पे, एंड वहाँ पर अपने को जो है काफ़ी सारी मिर्चियाँ उगानी है और उनको अच्छे खासे प्राइस में भी सेल करना है। तो मतलब बहुत पैसा आने वाला है। मैं अभी देखना, अभी जब हम लोग घर में जाएंगे और जब सोकर उठेंगे ना, तब तक देखना हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, क्योंकि पियर्स का ना अपने को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। इसलिए लास्ट टाइम इतना कम कम हो रहा था, पर आज से ना अपने को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे फार्म हाउस पे, जो कि बाहर से बहुत छोटा है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारा लग्जरी हाउस है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे चलते हैं। मेरे को ना एक एक करके सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हॉट पेपर लगाते हैं। ठीक है, एक यहाँ रख देता हूँ हॉट पेपर वाला, एक, दो, मैं ना एक जो है यहाँ पे कुछ और लगाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एक, दो, एंड तीसरा, कितना स्पेस सही रहेगा उसके लिए? एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। ठीक है, और उसके बाद में मेरे को ये रखना है, एक सेकंड गाइस, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को यहाँ पे, रुको। दो, एक, दो, एक, दो, ये वाला छोड़ना है मेरे को, ये वाले पे रखना है। ठीक है भाई, बड़ा दिक्कत है भाई यहाँ तो। ओके, तो एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, ठीक है, छोड़ना है, फिर यहाँ पर रखना है। ठीक है, बाकी अपने को नेक्स्ट रो से शुरू करना है। मैं कुछ ज़्यादा ले आएगा ये यार, मुझे लग रहा है मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले आया ऐसा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक यहाँ रख देता हूँ, फिर आते हैं अपन यहाँ वाले पे, एंड उसके बाद में एक, दो, इसमें रखते हैं। ठीक है, चलो भाई, जब बाकी वाले को रखते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि ना मिक्स करना चाहता हूँ मैं सारा कुछ यहाँ पे ना, क्योंकि फिर वो एक एक साइड में बना दिया फिर अच्छा नहीं लगता यार। वैसे थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए ना हमारा फार्म। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है मेरे को। एक एक सेकंड, एक, दो, एक, दो, एक, दो, आ गई। से काम करते हैं जैसा लगाना वैसे लगाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा गलत सीन बैठ रहा है भाई यहाँ पे, मैं बटावर से सब कुछ लगा दूँ पहले तो मेरे को। ये हॉट पेपर प्लांट है। ठीक है, तो ये वाले हॉट है तो फिर ये क्या कोल्ड है? अच्छा, ये बेल पेपर है, बोला ये कोल्ड है क्या भाई? ओके, यहाँ मिर्ची, लाल मिर्ची लगा दी, और ये शिमला मिर्ची लगा दी। ठीक है, और ये भी बेल पेपर है, तो ये बेल पेपर हमारे कहीं और लगेंगे। ठीक है, ये हॉट पेपर है, तो यहाँ हॉट पेपर आएगा भी भाई, सारे लगाएंगे भाई, एकदम भर दूंगा इसको पूरा मैं ना आज। इससे भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत पैसा आने वाला है, अपने दुगना पैसा आएगा एकदम। और एक सेकेंड, मेरे पे तो ज़्यादा पैसा आना चाहिए था ना, 4579 कैसे हो गया? मैंने काफ़ी सारे सीड्स खरीद लिए आई थिंक, इसलिए शायद से कई। तो मैंने सारे सारे हॉट पेपर लगा दिए, हॉट पेपर वाला आई थिंक ये भी एक बचा हुआ है, तो ये भी मैं एक बार फटाफट से लगा देता हूँ। उसके बाद में अपने जो है ना सारे सारे शिमला मिर्च वाले बचेंगे प्लांट्स। और यहाँ पे देखोगे अगर, तो मैंने एक और जो है यहाँ पे अनलॉक कर दिया है, एक और नहीं थे, दो और थे, मैंने वो अनलॉक कर दिया, क्योंकि ना पर वैसे लग नहीं रहा मेरे को ज़्यादा अनलॉक करने का कोई मतलब है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और इतना काम मेरे को करना नहीं है भाई, सही बताऊँ तो। क्योंकि ना भाई हर एक को वहाँ से कलेक्ट करके लेकर आना भाई, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वो है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड वाला काम हो जाता है, फिर ये इतना करना नहीं भाई मेरे को। ठीक है, वो जब ज़्यादा एकदम करने होंगे ना, पैसे वैसे कमाने होंगे, तब करूँगा वो मैं। ठीक है, एंड अभी हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे लगा दिए, हॉट बेल, हॉट बेल, हॉट बेल, और वहाँ पे भी आई थिंक दो बचे हुए ना अभी, इसको भी लगाना पड़ेगा। ये तो मेरे को पूरा भरना ही पड़ेगा इसके हिसाब से। और ठीक है, ये बेल पेपर है, इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हॉट पेपर हो गया। ठीक है, और ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, अभी आएगा बेल पेपर, दोनों बेल पेपर बचे हैं क्या मेरे पे? ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर भाई काफ़ी सारे ग्रो कर दिए इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे। ठीक है, छः मतलब आई थिंक 12 के हिसाब से दो भर जाने चाहिए पूरे, राइट? छः से एक भर जाता है तो 12 के हिसाब से दोनों भर जाने चाहिए। पता नहीं क्या सीन है, लग तो रहा नहीं भरेगा, क्योंकि अभी बच गया यार काफ़ी सारा ना। ये वाला तो भर गया था, कितने? एक रुको, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, पंद्रह है। तो मतलब आई थिंक मेरे को सात सात वो चाहिए रहेंगे शायद से यहाँ पर ना।
तो गाइस यार मैंने सारे के सारे सीड्स जो थे वो ग्रो कर दिए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश होएंगे और थोड़ी भूख भी लग रही है मेरे को। ये धीरे धीरे ना भूख बढ़ेगी और फिर मेरा मैं भाग नहीं पाऊंगा थोड़ा तेज, भाई इनका अलग ही सीन है क्योंकि। चलो अब एक काम करते हैं, 5 तो बज चुके हैं, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब सो के उठेंगे ना तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है गाइस थोड़ी देर वेट करते हैं 7 बजने का। ऑलराइट गाइस गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग जो सोकर उठ चुके हैं एंड अभी हमारे पास में देख रहे हो पैसे भी ना थोड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है और यहाँ पे भाई हमारी मिर्चियाँ और शिमला मिर्चियाँ मिर्च और शिमला मिर्च जो है यहाँ पे ग्रो हो चुकी है भाई, मतलब अगले दिन में देख रहे हो मज़ा आ गया भाई। अभी ना अपन एक काम करते हैं, इनको फटाफट से हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनको ना अभी बेचने को अच्छा खासा मोटा पैसा कमाएंगे। ठीक है ओके, तो यहाँ पे मैं मिर्ची और शिमला मिर्ची दोनों को हार्वेस्ट करते करते यहाँ पे लेके जा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। एक सेकंड, अब थोड़ा सीन ये है कि ना एक मिनट गाइज मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ज़रा रुको। तो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दिया, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को इस वाले शिमला, अरे यार इसमें शिमला मिर्च मिसिंग है। रुको गाइज रुको रुको, ओके 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 ठीक है समझ गया। कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है और हम लोगों से ही तो होगी ना गलतियाँ, कोई बात नहीं। अभी शिमला मिर्च निकालेंगे पहले, फिर पूरी लाल मिर्च निकालूंगा क्योंकि ये थोड़ा ना गड़बड़ हो रहा है। इसके अंदर क्या है, सेम जो वो होती है ना मिर्चियाँ वो रख नहीं सकते, इसलिए मिर्चियों के साथ भी अलग वो कर रखा है इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास में अभी हो चुके हैं 4999। ठीक है मतलब 5000 हो चुके हैं, मतलब खर्चा बहुत हो रहा है यार अपना, ऐसे देखा जाए तो ना खर्चा बहुत ज़्यादा निकल रहा है अपना। भूख भी लग रही है यार, मैं खाना वाना भी खा कर आना पड़ेगा। एक काम करता हूँ जरा ना ट्रक को ना पीछे घुमा के ले जाता हूँ क्योंकि यार बार बार इधर आना उधर जाना ये गड़बड़ नहीं है थोड़ा सा भाई, थोड़ा अच्छे से रुको जरा। अरे 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 भाई भाई अरे 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 आराम से भाई, हेलो भाई साहब ये क्या था भाई, मुझे बता दो कोई प्लीज़, ये था क्या ये? ये क्या पागल हो गया क्या ये ट्रक भाई, क्या हो रहा है इसको? हेलो अबे क्या हो रहा है इसको, अबे पगला गया क्या भाई क्या? अरे भाई आराम से ठंडक रख जा भाई, कसम से यार हद होती है मतलब। अबे भाई मत कर प्लीज यार, मैं उतर जाऊंगा इस ट्रक से, कूद भी तो नहीं रहा भाई, ये देखो पागल हो गया भाई कसम से। अरे भाई मतलब इतनी हरकतें कौन करता है भाई, ये ट्रक तो भाई ये ट्रक कहाँ से कहाँ आ चुका है गाइस। देखो रुको भाई, यहाँ ना थोड़ा ग्लिच व्लिच है इसके अंदर, मैं थोड़ा अच्छे से काम करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ओके आराम से उतर भाई, पहले तू एक बास्केट ले और आराम से शिमला मिर्च तोड़ और इनको रखता रहे। ठीक है फालतू के ड्राम में नहीं करने, गजब ही है भाई ये तो। एंड ये वाला भी निकाल ले इधर, और सारी की सारी शिमला मिर्च रखनी पड़ेगी। अरे कितनी सारी मिर्चियाँ हो गई यार, इतना पैसा मिलेगा भी जितना मैंने लगाई है यहाँ पे? पर मेरे को उससे पेयर्स से बहुत फ़ायदा हो रहा है, लाइक हर एक पेटी का ना $100 मिल रहा है वहाँ पर। ठीक है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अगर मान लो 20-25 अगर पेटी लेके जाएंगे तो $2,500 तो अपने ऐसे ही कन्फर्म एकदम राइट। सही है यार ये भी काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब प्रॉफिट तो है भाई एकदम मैक्स वाले वैल्यू में जाते हैं सेलो के यहाँ पे ना। चलो दैट इज़ गुड, अपने को बस यहाँ पे शिमला मिर्च से काम ही फिलहाल के लिए तो। लेकिन यार वहाँ पे ना बहुत स्लो बिकते हैं, थोड़ा सीन यार ये है, मेरे को ये चीज़ काफ़ी बेकार लगी कि बहुत धीरे धीरे बिकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों को आना चाहिए ना प्रोडक्ट, तो क्या है बोलो ये हमारी वेजेस जो है ना जल्दी जल्दी बिकनी चाहिए भाई। इसमें थोड़ा पॉइंट्स वगैरह वाला सीन भी डालना चाहिए इनको क्योंकि मज़ा आ जाएगा भाई फिर तो, जब अगर वो सारी चीज़ें होंगी तो उसमें नहीं ना। अरे यार चलो गाइस मैं काम करता हूँ, मैं ना फटाफट से इनको कलेक्ट कर ही लेता हूँ, ये ना बड़ा टाइम लगेगा भाई ऐसे तो नहीं। तो मैंने लेफ्ट साइड के तो सारे के सारे यहाँ पे तोड़ लिए भाई और इनको उठा लिया, अभी जो है ना आगे वाले बचे हुए हैं इनको मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड रुक जाओ ज़रा, मैंने काम कर लेता हूँ अपने ट्रक को आगे ले आता हूँ क्योंकि ना ये तो थोड़ी दिक्कत देगा भाई, नहीं तो रुक जाओ ज़रा गाइस यहाँ बैठते हैं और ट्रक को थोड़ा आगे लेते हैं। पर भाई फिर से ना कोई ग्लिच व्लिच ना हो जाए भाई इसके अंदर, मैं नहीं चाहता कुछ भी ऐसा सीन हो इसके अंदर बार बार, बोलिया भाई एक बार बहुत है। और ये भाई अलग ही है भाई, मतलब कहीं से भी बास्केट निकाल लो कुछ भी मतलब यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये वाली मिर्ची और बचिए लास्ट, ये अच्छा ठीक है नॉर्मल मिर्ची बची है लास्ट, नॉर्मल नहीं है भाई खा के पता चलेगा इनको तो। ज़्यादा बड़ी बड़ी मिर्चियाँ नहीं लेकिन वैसे देखा जाए तो ये। पर यार हमारे पास बहुत सारी पेटियाँ यहाँ पर हो चुकी है मिर्चियों की, ठीक है सिर्फ मिर्चियों की, तो मतलब आज भी बहुत पैसा आने वाला है अपने पास में मिर्चियों से सिर्फ गाइस, बहुत पैसा आने वाला है। मैं शॉर्टकट लेके जाऊँगा भाई अपनी शॉप पर एंड अपनी शॉप से बहुत पैसा हम लोग अर्न करने वाले। ये भाई उससे पहले तो ये देख लो तुम, हद भाई हद पार कर देता है कभी। अबे क्या हो रहा है, ये ग्लिच हो गया भाई फिर से, रुको गलत ही सीन है भाई इसका।
चलो गाइज अभी फटाफट से हमारे वेजिटेबल शॉप पे पहुंचते हैं हम लोग, एंड उसके बाद में हम लोगों को जो है ना भाई बहुत सारा पैसा अर्न करना है, क्योंकि यार आज तो बहुत मिर्ची अपन लोगों ने ग्रो कर ली है, लेकिन मिर्ची ग्रो करने का क्या मतलब जो पैसा ही नहीं मिलेगा यार। तो मेरे को लग रहा है ना भी अपने को बहुत काम करना पड़ेगा यार, बहुत काम। देख रहे हो यहाँ पे सामान बिक रहा है धीरे धीरे करके, एंड स्लो वाला थोड़ा दिक्कत है, पर काफ़ी वेट करना पड़ेगा इसके हिसाब से मेरे को ना, पर पैसा बहुत मिलेगा इस, ये तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ में, पैसा बहुत है। लेकिन यहाँ पे इनको रखता हूँ यहाँ पर, इनको रखता हूँ यहाँ पर, और इनको रखता हूँ यहाँ पर। टमाटर यार, टमाटर ग्रो करूँ क्या? टमाटर में तो बहुत पैसा है गाइस, बताइए ना आजकल क्या हो रहा है टमाटर का, तो भाई बेहाल हो रखा है एकदम। इसको मेरे को समझ नहीं आया यार, इसके ऊपर वाला सीन क्या था ना, इसको मैं सीधा रख देता हूँ भाई, ये थोड़ा गड़बड़ी हो रखा है, कुछ ज़्यादा स्पेस खींच रहा है, नहीं तो इसको रख देता हूँ थोड़ा ऐसे, और इस वाले को भी यहीं पर ठूस देता हूँ भाई जैसे तैसे करके बस। आधा 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 आ गया, ठीक है नाइस। कितने सारे शिमला मिर्च है भाई हमारे पास में यार, इसमें ना सेल्फ्स वगैरह अपग्रेड करने का भी होना चाहिए भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई सब कुछ हो इसके अंदर। तो फिर तो इसको भी रखता हूँ यहाँ पर, इसको भी रखता हूँ यहाँ पर, इसको भी रखता हूँ यहाँ पर, इसको भी रखता हूँ। अब कितने सारे हैं भाई यहाँ पे, इतने सारे लेकर भी आया था मैं वैसे जितने हैं मेरे पास अभी यहाँ पर। ओके बहुत सारे, और पैसा वैसा आ रहा है इस, पैसा आ रहा है लेकिन बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। इसका देखते क्या कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन आज अपन ने बहुत सारी मिर्चियाँ ग्रो कर ली, एंड उनको जो अपन ने यहाँ पे सेलिंग के लिए भी रख दिया है, और थोड़े बहुत मैं सेल करके आ जाऊँगा खुद से, ठीक है। चार एक काम करते हैं, चार बास्केट तो अपन खुद से सेल करके आ जाते हैं, क्योंकि ना अपने को थोड़े बहुत स्किल पॉइंट्स पर भी ध्यान देना, ताकि अपन ना ऑफलाइन बैठ कर थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड कर सकूँ मैं, और अच्छे खासे पैसा ऑन करके बहुत बहुत पैसा कमा सकते हैं अपन लोग यहाँ पर, ठीक है। 65 की तो मैंने शायद नहीं, कितने की खरीदी मैंने, 50 और 55 की कुछ ना। बेल पेपर 49 का बिक रहा है, और हॉट पेपर, अरे भाई हॉट पेपर, ओ गाइस 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 यहाँ बहुत पैसा है हॉट पेपर में। शिमला मिर्च भी है क्या मेरे पास? अबे यार शिमला मिर्च, ओके ठीक है, दो हॉट पेपर वाले, दो शिमला मिर्च है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इनको सेल करते हैं फटाफट से, क्योंकि इनसे अपने को बहुत प्रॉफिट हो रहा है आज तो, $71 मिल रहा है भाई इसका। तो एक काम करते हैं, दूसरी वाली शॉप पे भी चल कर आते हैं, वहाँ पर भी चेक करते हैं आखिर वहाँ का क्या प्राइस है, ठीक है। खाना भी खाना पड़ेगा यार, एक तो ना इसमें ना इन कस्टमर जो लोग हैं इनसे बात नहीं कर सकता, अगर वो कर पाता ना तो फिर मज़ा आता, फिर तो इनसे ना मैं घर पर भी लाइक खरीद लेता इनसे, यू नो अच्छे खासे पैसों में, लेकिन उतना पैसा नहीं है वो अलग बात है। यहाँ पे देखता हूँ हॉट पेपर, बेल पेपर तो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे ठीक है, वहाँ 49 का, यहाँ पे 55 का तो है एटलीस्ट, पर आई थिंक बेल पेपर शायद से इतना महंगा आता ही है ऑलरेडी, सो आई थिंक मे बी हम लोग सिर्फ नुकसान में ही गए हैं यहाँ पर। गाइज हम लोग आ चुके हैं सैंडविच की शॉप पे बर्गर खाने के लिए, ठीक है। तो चलते गाइज यहाँ पे फटाफट से बर्गर खाते हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ देख रहे हो यहाँ पे सैंडविच तो हमें दिखेगा ही नहीं, ये क्या है, ये बर्गर है भाई सारे, दे ऑल आर द बर्गर्स ब्रो, ये देखो बर्गर सैंडविच, व्हाट इज बर्गर सैंडविच ब्रो, क्या मतलब है ये, कुछ भी पेल दो मतलब, हाँ पिज्ज़ा सैंडविच बना दो भाई तुम लोग, ये बना दो वो बना दो भाई, मतलब ठीक है भाई, एप्पल सैंडविच भी डाल दो वहाँ पे, टमाटर सैंडविच भी डाल दो, सब कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर भाई सैंडविच नाम दे रखा, मैं एक बार ना रुको भाई, मैं सर जाकर नहीं आया ना, एक बार चल कर आते हैं ज़रा यहाँ का क्या सीन है, ये बड़ी प्यारी जगह मेरे को लगी, ठीक है यहाँ की। एंड हम लोगों ने मैप भी एक्सप्लोर नहीं किया ना वैसे, काफ़ी हद तक एक्सप्लोर नहीं किया अपन ने काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर देखते हैं आखिर कौन रहता है यहाँ पर, तो रहता भी है खाली पड़ा हुआ ही, तो कुछ काम का है क्या यहाँ पे, लग तो नहीं रहा, ओ यहाँ कोई रहता नहीं है वैसे तो, पर खाली पड़ा हुआ। एक बार एक काम करते रुको, हम लोग ना मैप के बाहर जाकर आते हैं, ठीक है, मतलब मैप के अंदर ही रहेंगे लेकिन थोड़ा बाहर घूम कर आता है अगर क्या सीन आएगा, ठीक है। लेट्स गो, थोड़ा एक्सप्लोर तो करें भाई, मज़ा तो आना चाहिए ना उस चीज़ में, खाली खाली कर रखा है भाई, एक सेकेंड जा ही नहीं सकता एक्चुअली, मैं अटक गया यहीं पर मैं, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो उसके आगे जा ही नहीं पा रहा मैं। ओके तो इन लोगों ने एक बाउंड्री सेट कर रखी है भाई यहाँ पर, तो आई थिंक मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, विच इज़ ओके नॉट बैड, ठीक है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस यहाँ से, सीधा सीधा निकलेंगे और हमारे फार्म हाउस पे पहुँचेंगे, ठीक है। कार मैकेनिक को तो मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि वो ना बहुत पैसे खाता है फालतू में, गाड़ी इतनी वैसे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैं पता है एक चीज़ सीखा हूँ इसके अंदर कि अगर अपना ट्रक वगैरह अटकने लग जाता ना तो हम लोग जो है आर दबा के रीसेट कर सकते हैं उसको, और उसे ना इस तरह से जो है खड़ा हो जाएगा वहाँ पर ट्रक जो है हमारा, ठीक है। तो अपने को बस यही करना है, हम लोग ना कहीं पे ठुकेंगे नहीं इस तरह से बचने का सही तरीका है वैसे वाला ना, ये देखो आराम से ऐसे रीसेट करते हुए आओ भाई, यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे फार्म हाउस पर, यहाँ पर गाइस हैं, अपने को बस यहाँ पर वेट करना है और
सोकर उठना है और उसके बाद में अपने को बस बहुत सारा काम करना है, ठीक है। चलो गाइज अभी ना मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर वेट करूंगा एंड उसके बाद बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, उसके बाद बंद कर दूंगा गेम को, ठीक है। तो गाइज आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर मजा आता है तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।